हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लाइव सेशन में। और आज हम इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं, जिन जिन स्कॉलर के, कोपेन, थॉर्नथवेट, ट्रिवार्था, उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोपेन का। और लगातार यहाँ से सवाल आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में मुश्किल होती है, लेकिन आज आपके लिए इस मॉडल को बहुत आसान बनाया जाएगा। जैसे आपने इसमें ये शब्द सुने होंगे, मेगा थर्मल, ए टाइप क्लाइमेट क्या है, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और फिर ई टाइप। ठीक है, इन क्लाइमेट के बाद यहाँ पर कुछ और स्मॉल लेटर्स भी हैं, उनके कॉम्बिनेशन बनते हैं। इंडिया में इसको कैसे अप्लाई करना है, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम इसे वर्ल्ड लेवल पर भी देखेंगे क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और इंडिया पर इसे कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको सभी एग्ज़ाम में जहाँ कहीं भी ज्योग्राफी आती है, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन आता है, जैसे UPSC, स्टेट PSC, नेट, JRF, सेट, स्लेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD, एंट्रेंस, GPGT, बाकी जो भी एग्ज़ाम है, हर जगह ये आपको हेल्प करेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या आप सभी तक मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है क्लियर? सबसे पहले ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए और हम फटाफट से इसको रिवीजन करेंगे, डिटेल में नहीं देखेंगे अभी। डिटेल के लिए तो अलग से क्लासेस होंगी, लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत जल्दी से, बहुत आसान तरीके से और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, शायद आपने इस तरीके से, इस नज़रिए से पहले इसको नहीं देखा होगा, अगर जो पेड ग्रुप में नहीं है तो, क्योंकि पेड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को तो बताया जाता है, लेकिन उनको भी शॉर्ट में कैसे याद करना है ये समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। ऑडियो वीडियो के बारे में एक बार कंफर्म कर दीजिए और फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द शुरू करें और आप सभी के लिए अल्टीमेट कोर्स शुरू किया गया है। 80+ मॉडल्स एंड थ्योरीज का कोर्स है, ज्योग्राफी का, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। डिटेल्स आपको जल्द ही बता दी जाएंगी। पेपर वन का मंजिल 35+ बैच है और पेपर टू के लिए लक्ष्य बैच है। इनमें से किसी भी बैच को आपको अगर ज्वाइन करना है, या तो आप मेथड वन से या मेथड टू से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मॉडल्स एंड थ्योरीज का जो कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी डेमो क्लासेस आप यहां से देख सकते हैं। इसमें हूवर की थ्योरी भी ऐड हो गई है और ये लिमिटेड सीट का कोर्स है, तो आप इसमें अपनी जो सीट है वो फटाफट सुनिश्चित करें व्हाट्सअप करके 7983188339 पर, और डिटेल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और फ्री PDF नोट्स के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी फ्री क्लासेस होती है, उनकी PDF नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली 8 से 9 बजे क्लास लगती है, जो स्टूडेंट नए हैं वो जुड़ जाइए, पुराने हैं तो आप शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, प्लेलिस्ट के सेक्शन में ज़रूर जा करके देखा करें। ये देखिए, इस सेशन के लिए 3 घंटे 6 घंटे की मास्टर क्लासेज हैं। ठीक है, तो आप इनको देखें ज़रूर। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। तो शुरू किया जाए आज का सेशन, तैयार है सभी? कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और उम्मीद है आप सभी ने शेयर कर दिया होगा। तो शुरू किया जाए, 15-20 मिनट में आज मैं आपको कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन समझा दूंगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। तो हम अभी जो देखिए, अभी जो हमारा टारगेट है, टारगेट इसको डिटेल में डिस्कस करना नहीं है, डिटेल्स के लिए अलग से हम क्लासेस करेंगे। अभी हमारा टारगेट है कि जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है 2022 का, इसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एक रिविजन की तरह से हम इस क्लास को रखेंगे कि आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएँ। और ये PDF नोट्स भी आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा इसमें, ये चीज़ ध्यान रखें। ये क्लाइमेटोलॉजी का आपका सिलेबस है, जहाँ पर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ये टॉपिक है। कल मैंने आपको यहीं से डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये जो टॉपिक्स है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये बहुत कम पेजेस में मैंने इसको कम्प्लीट किया हुआ है, इस तरीके से चार्ट बनाए हुए हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर किया है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। मतलब इस तरीके से जो चार्ट बना करके दे रखा है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने खुद से किया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो कोपेन का दिख रहा है वर्ल्ड लेवल पर, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
ये क्यों किया है, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग से बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं बात? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज़, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि कोपेन एक जर्नल जर्मन बॉटनिस्ट थे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। गुड मॉर्निंग सभी को। जर्मन बॉटनिस्ट और क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, इनका नाम है व्लामिदिर कोपेन। सबसे पहले इनका पूरा नाम व्लामिदिर कोपेन है, जर्मन के बॉटनिस्ट और क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को क्लाइमेट के आधार पर क्लासिफाई करने का प्रयास किया। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से इनकी इंस्पिरेशन होगी। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमारी कोई इंस्पिरेशन होता है। तो पहली बार ये जब 1900 में अपने क्लाइमेट को मतलब क्लासिफाई करते हैं पूरे वर्ल्ड को क्लाइमेट के आधार पर, तो ये इनका जो इंस्पिरेशन आता है, यानी कि जिससे प्रभावित होते हैं, तो कैंडोल के वेजिटेशन जोन से ये प्रभावित होते हैं। कैंडोल ने 1874 में, 1874 में पूरे विश्व को पांच वेजिटेशन जोन में डिवाइड किया था। अब वो पांच वेजिटेशन जोन कौन से हैं, तो ये कैंडोल के हैं। देखिए लिखा हुआ जो यहाँ पर कैंडोल के द्वारा, मेगा थर्मल, जेरोफाइटिक या जेरोफाइट, मेसोथर्मल, बाइकोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल, ये कैंडोल के क्लासिफिकेशन है, पांच वेजिटेशन जोन है। अब वेजिटेशन जोन को कोपेन ने अपना आधार क्यों बनाया? कोपेन ने इसलिए अपना आधार बनाया है क्योंकि वेजिटेशन किसी भी रीजन के क्लाइमेट का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे या इंडिकेटर होते हैं। अगर आम का पेड़ है तो क्या आम का पेड़ बर्फीले क्षेत्रों में हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आम का पेड़ है तो क्या ये आम का पेड़ कोस्टल रीजन में हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे जहाँ पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, नहीं होगा ना, दलदली भूमि में। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट है, तो डिसूडियस क्लाइमेट में ही, और जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही ये पनप सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेजिटेशन जो होती है वो क्लाइमेट की इंडिकेटर होती है। तो इसीलिए कोपेन ने कैंडोल के वेजिटेशन क्लासिफिकेशन को अपना बेस बनाया था, आधार बनाया था। ऐसे ही नहीं उन्होंने कैंडोल का ये जो क्लासिफ वेजिटेशन जोन है उसको इस्तेमाल कर लिया था। तो सबसे पहली बार फिर ये 1900 में अपना क्लासिफिकेशन देते हैं। इसके बाद ये इसको फिर रिवाइज करते हैं, इसमें कुछ संशोधन करते हैं 1918 में। और संशोधन करके किन बातों पर अटेंशन है, अब इनका फोकस किस बात पर है? मंथली एंड एनुअली एवरेज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रसिपिटेशन, और उनका सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन बातों पर इनका फोकस रहता है। फिर से इसको मॉडिफाई करते हैं 1931 में, 1936 में, लगातार रिवाइज करते रहते हैं। तो देखिए टाइमलाइन याद रखिएगा, 1900 में पहली बार दिया, फिर उसको 1918 में रिवाइज किया, 1931 में किया, फिर फाइनली 1936 में भी इन्होंने रिवाइज किया है। ये इनके टाइमलाइन है। फाइनल लास्ट टाइम कब इन्होंने रिवाइज किया था? 1936 में, ठीक है। लेकिन इसके आगे जो ओरिजिनल स्कीम थी कोपेन की, उसको फिर से मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन अब कोपेन नहीं करेंगे, वो गीगर पोही के द्वारा किया जाता है 1953 में। तो 1953 में कोपेन ने नहीं, गीगर पोही ने इनको क्लासिफाई किया था, तो इसीलिए इनकी स्कीम को गीगर कोपेन गीगर पोही स्कीम कहते हैं, जो गीगर पोही का है, ठीक है। इसके आगे इन्होंने कुछ स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये कैंडोल के वेजिटेशन जोन को इस्तेमाल करते हैं अपने मॉडल में। अब कैंडोल के जो वेजिटेशन जोन है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब ये जो टर्म है ये आपसे सीक्वेंस में पूछ सकता है, आपको इन्हें याद करना नहीं पड़ेगा, आपको अभी समझ में आएगा। जैसे देखिए, अगर आप ये इक्वेटोरियल वाला रीजन देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा? बिल्कुल हाई टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसे हम मेगा बोलते हैं, मेगा माने ज़्यादा, माइक्रो माने कम, मेसो माने मिडिल, मध्यम, तो मेगा होगा ये, मेगा थर्मल, ठीक है। मेगा थर्मल क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिकतम है, तो इसलिए मेगा थर्मल बोल देते हैं इसको, करेक्ट। तापमान के ज़्यादा होने की वजह से मेगा थर्मल है। थोड़ा सा आप नॉर्थ में जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, तो ये क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा होता है, जैसे डिजर्ट वाले रेड एरिया आप जितने भी देख रहे हैं नॉर्थ साउथ में, यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जितना प्रसिपिटेशन होगा उससे ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाता है, करेक्ट। जितना प्रसिपिटेशन उससे ज़्यादा इवेपोरेशन, तो इसलिए डेजर्ट बनते हैं, सूखा हो रह जाता है, बारिश से ज़्यादा तो वाष्पीकरण हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो जेरोफाइटिक टाइप के होते हैं। जेरोफाइट क्या होते हैं? जो डेजर्ट एरिया में भी, शुष्क क्षेत्रों में भी पनप सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, उनकी लंबी टेप रूट होती है, पत्तियाँ मोटी होती हैं, कांटे निकल आते हैं। तो ऐसी क्लाइमेट में
ग्रो करने वाले पौधों को जेरोफाइटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जेरोफाइटिक टाइप क्लाइमेट कहलाती है। फिर थोड़ा सा और आप और नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ मेडिटेरेनियन सी के आसपास अगर देखेंगे तो यहाँ की क्लाइमेट ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है, जैसे आप इस रीजन में देखेंगे, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडी। ठीक है, तो इसलिए ये जो रीजन है इसे हम मेसो थर्मल बोलते हैं, मेसो प्लस थर्मल। मेसो माने मिडिल, ना टेम्परेचर ज़्यादा ना कम, बहुत कम भी नहीं है, और थर्मल माने टेम्परेचर, तो मेसो थर्मल। ठीक है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा और जाएंगे तो टेम्परेचर और कम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बोरियल वाला रीजन है, ये आप इसे कह सकते हैं टैगा रीजन है। तो टैगा रीजन में टेम्परेचर और कम होता है, तो इसे माइक्रो बोलेंगे, माइक्रो थर्मल। समझ रहे हैं आप माइक्रो थर्मल क्यों बोला है। फिर उसके बाद और चले जाएंगे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, जहाँ पर स्नो कवर्ड एरिया रहता है, परमानेंटली स्नो कवर्ड है, तो इसे आप क्या बोल देंगे, हेकिस्टो थर्मल। तो ये सीक्वेंस आप इस तरीके से याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो सबसे पहले मेगा थर्मल ट्रॉपिकल रीजन है, जेरोफाइटिक ड्राई क्लाइमेट है, मेसो थर्मल वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, माइक्रो थर्मल कोल्ड स्नो क्लाइमेट है, हेकिस्टो थर्मल ये भी कोल्ड क्लाइमेट है। ये केंडोल ने दिया है क्लासिफिकेशन, और इसी क्लासिफिकेशन को कोपेन ने मेगा थर्मल को बोला है ए, जेरोफाइट को बोला है बी, मेसो थर्मल को बोला है सी, माइक्रो थर्मल को डी, और हेकिस्टो थर्मल को ई टाइप क्लाइमेट। ये तो अभी इनके कैपिटल लेटर हैं, अभी कुछ स्मॉल लेटर भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हैप्पी बर्थडे वेदाश्री, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, आप खूब आगे बढ़े, आपका इस बार JRF हो। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे मेगा थर्मल है तो इसकी क्या डिटेल्स हैं। एग्जाम में अभी तक तो ऐसा डिटेल वाला सवाल नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड के लिए हम डिटेल्स भी याद रखेंगे। ओके, हो सकता है कि आपको चार स्टेटमेंट दे दें, बोले कि बताइए ये मेगा थर्मल है, मेसो थर्मल है, माइक्रो थर्मल है, हेक्सिस्टो थर्मल है, क्या है ये। तो इसलिए आपको डिटेल्स थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे मेगा थर्मल को आप देखिए, तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हमेशा पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी या रेनफॉल की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है ये इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्र है, तो यहाँ पर कोई भी विंटर सीजन नहीं होगा, हमेशा हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल की आवश्यकता होती है इन प्लांट्स को। ओके, इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो एवरग्रीन टाइप के होते हैं, और सबसे ठंडे महीने का टेम्परेचर भी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। मेगा थर्मल में किसी भी प्रकार का मेगा थर्मल में जो होते हैं ठंडे सीजन नहीं होते हैं, हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो ऊपर ही रहता है। ओके, और यहाँ पर रेन फॉरेस्ट टाइप के वेजिटेशन मिलेंगे जिनमें 5 वर्टिकल स्ट्राटाज होते हैं। अब इस तरीके के स्टेटमेंट अगर आपको दे देगा तो आप कहेंगे मेगा थर्मल है, यानी कि जैसे हमेशा हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल की आवश्यकता होगी यहाँ के प्लांट्स को, विंटर सीजन नहीं होंगे, कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे स्टेटमेंट आपको दे देता है तो आप कहेंगे वो मेगा थर्मल है। ठीक, इसके अलावा जेरोफाइट, जेरोफाइट वो होते हैं जो एक्सट्रीम हॉट एंड एरिड कंडीशन में, केवल हॉट नहीं है, एरिड भी, एरिड भी है, शुष्क भी है। ठीक है, तो ऐसे पेड़ पौधों क्या करते हैं, अपने कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेते हैं जो ऐसे क्षेत्रों में भी डेवलप हो सकते हैं जो एक्सट्रीम एरिडिटी, बहुत शुष्क वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर इवेपोरेशन प्रसिपिटेशन से आगे निकल जाता है, बारिश से ज़्यादा वाष्पीकरण हो जा रहा है। तो जेरोफाइटिक टाइप के प्लांट यहाँ पर डेवलप होते हैं, जिनकी लॉन्ग टेप रूट होती है, पत्तियों की छालें बहुत मोटी हो जाती हैं और इनमें कांटे निकल आते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है, ये जेरोफाइटिक है। अब इनके कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, ये जो पीछे आपको स्मॉल लेटर मैंने दिखाए हैं, इनसे इनके कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, जैसे AF AW AM इस तरीके से, फिर ऐसे बी के साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर सी के साथ, फिर डी, फिर ई। ओके, नेक्स्ट आता है मेसोथर्मल। मेसोथर्मल में आप देखिए तो मेसोथर्मल का मतलब मिडिल है, इसको आप वार्म क्लाइमेट बोल सकते हैं, वार्म और टेम्परेट क्लाइमेट बोल सकते हैं। ठीक है,
और ये क्या, इसकी खास बात क्या है, न टेम्परेचर बहुत हाई न टेम्परेचर बहुत लो। तो मेसोथर्म ग्रुप जो होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर वाला रीजन होता है, मॉडरेट टेम्परेचर भी और मॉडरेट प्रेसिपिटेशन भी, दोनों ही यहाँ पर मॉडरेट रहता है, ना बहुत हाई टेम्परेचर ना बहुत हाई रेनफॉल, ना कम होगा, ठीक है, मॉडरेट होता है। और यहाँ पर जो सबसे कोल्डेस्ट महीना होगा उसका टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे रहता है, लेकिन -3 से तो ऊपर ही रहेगा। और एवरेज टेम्परेचर की बात करें वार्मेस्ट मंथ की, तो वो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चार पांच स्टेटमेंट के लिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डी टाइप क्लाइमेट या माइक्रोथर्मल की बात करें, कोल्ड स्नो क्लाइमेट होती है, तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कोल्डेस्ट रीजन में भी सरवाइव कर सकते हैं। और यहाँ पर कोल्डेस्ट महीने का टेम्परेचर -3 डिग्री से नीचे रहता है, -3 डिग्री से नीचे रहता है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर होगा वार्मेस्ट सबसे गर्म महीने का वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, बट 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। बोरियल डेसिडियस टाइप की क्लाइमेट, स्टेपी वेजिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। माइक्रोथर्मल है ये, जिसे हम टैगा रीजन भी को कह सकते हैं। हेकिस्टोथर्मल, जिसे कोपेन ने ही ई टाइप की क्लाइमेट कहा है, कोल्ड स्नो क्लाइमेट कहते हैं, और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट परमानेंटली आइस कवर्ड आर्कटिक पोलर एरियाज देखने को मिलेंगे, या फिर आप इसे टुंड्रा रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको सॉइल में और मॉइस्चर में एक परफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। यहाँ की जो सॉइल होती है वो लिथोसॉल होती है, लिथोसॉल जो कि ग्लेशियर के इरोजन और डिपोजिशन की वजह से बनी है, मांस और लाइकेन की तरह, जैसे मांस और लाइकेन यहाँ पर वेजिटेशन सिर्फ आपको देखने को मिलती है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आपसे या तो ये सिंपल सा वेजिटेशन जोन का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, या फिर आपसे ये ए बी सी डी ई का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, सेम है, यही होगा, क्योंकि ये अलग नहीं है। जिसे कैंडोल ने मेगा थर्मल बोला है, कोपेन ने उसे ए बोला है, जेरोफाइट बोला है कैंडोल ने, बी बोला है कोपेन ने, सी कोपेन का है, मेसोथर्मल कैंडोल का, ऐसे बाकी हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग नहीं है, ये सामने आपके लिखे हुए हैं, बस ये है कि इनके कॉम्बिनेशन अब और बन जाएंगे। उन कॉम्बिनेशन को याद रखने के लिए आपको ये स्मॉल लेटर भी पता होने चाहिए। जैसे ये स्मॉल एफ है, इसका मतलब होगा प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर बारिश होगी, तो ए ट्रॉपिकल और एफ फुल ईयर रेन, ऐसे, ठीक है। एम मॉनसून क्लाइमेट होगी, इसमें शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। डब्ल्यू माने विंटर में बारिश, नहीं, विंटर ड्राई सीजन होता है। एस मीन्स, एस माने क्या होगा, समर में बारिश, नहीं, समर ड्राई सीजन होगा। डब्ल्यू विंटर में बारिश, विंटर ड्राई, और एस समर ड्राई, विंटर में बारिश होगी, ठीक है। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये ए टाइप की क्लाइमेट के ये कॉम्बिनेशन है, कोड आपको लिखा हुआ है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे क्या बोलेंगे लिखा हुआ है। फिर बी टाइप की क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट है, तो इसके ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर सी टाइप की क्लाइमेट, इसके ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, और भी हैं, ये है। फिर डी टाइप की क्लाइमेट, इसके ये कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ तक, और फिर ई के ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसे याद करना। फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी आपको इसका चार्ट बना करके दिया गया है। देखिए, वर्ल्ड लेवल पर आपको हर कंट्री का नाम याद नहीं रखना है, किस कंट्री में ए टाइप की क्लाइमेट मिलेगी, किस में बी मिलेगी, सी मिलेगी। वर्ल्ड लेवल पर आपको सिर्फ ये चार्ट पता होना चाहिए। जैसे ए टाइप की क्लाइमेट है, तो इसे ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। अब इस ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट को आप स्मॉल लेटर के साथ कंबाइन करेंगे तो AF टाइप, AM, AW, AS हो जाएगा। AF माने ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोल सकते हैं, या फिर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट इसे बोल सकते हैं। AM क्लाइमेट माने मॉनसून क्लाइमेट, जो भारत की क्लाइमेट है मॉनसून, वो AM टाइप की क्लाइमेट है, जिसमें एक शॉर्ट सीजन होता है। जो शॉर्ट सीजन, वो ड्राई सीजन होगा, पूरे साल भर बारिश तो नहीं होती है, एक शॉर्ट ड्राई सीजन होगा। AW मीन्स होता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, या फिर इसे आप ड्राई क्लाइमेट या सवाना क्लाइमेट कह सकते हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो ये सवाना टाइप क्लाइमेट है, विंटर सीजन में बारिश नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा AS टाइप क्लाइमेट है, तो ये ड्राई समर होता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर समर में ड्राई होगा, और ये रेयरली मिलता है, रेयरली फाउंड, ठीक। इसके अलावा ड्राई क्लाइमेट होती है बी टाइप क्लाइमेट, तो इसे आप क्लासीफाई कर सकते हैं ऐसे, तो BWH और BWK, जहाँ पर ये BW है और BWH है, ओके, तो इसका मतलब ट्रॉपिकल होगा,
वन सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए, तो बी डब्ल्यू एच माने ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट होगा, बी डब्ल्यू एच मीन्स ट्रॉपिकल का डेजर्ट क्लाइमेट, लेकिन बी एस एच बोलेंगे तो वो स्टेपी टाइप क्लाइमेट होगा। अब ये डेजर्ट और स्टेपी में क्या अंतर है? डेजर्ट में जो कंडीशन है बिल्कुल एरिड रहती है, बिल्कुल शुष्क क्लाइमेट होती है, बारिश नहीं होती बिल्कुल, लेकिन स्टेपी टाइप क्लाइमेट में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है जिससे घास के मैदान बन जाते हैं, तो उन्हें स्टेपी टाइप क्लाइमेट बोल देते हैं। जैसे इंडिया में अगर आप देखें तो ईस्टर्न राजस्थान स्टेपी टाइप है और वेस्टर्न राजस्थान एकदम बी डब्ल्यू एच टाइप क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है। लेकिन डेजर्ट मिडिल लैटिट्यूड में भी हो सकता है, तो बी डब्ल्यू के अगर लिखा है तो वो मिडिल लैटिट्यूड कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है, और अगर बी एस के लिखा है तो मिडिल लैटिट्यूड कोल्ड स्टेपी क्लाइमेट है। तो ये दो अंतर आपको याद करके रखना है। अगर एच बोला है ऑप्शन में तो वो ट्रॉपिकल होगा, के बोला है तो वो मिडिल लैटिट्यूड होगा, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आप सी टाइप क्लाइमेट को देखिए, तो ह्यूमिड मेसोथर्मल या वार्म टेम्परेट रेनी क्लाइमेट आप इसे कह सकते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन में तीन है, ठीक है, ये तीन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? सी एफ क्लाइमेट जिसे हम वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट बोलते हैं, सी डब्ल्यू क्लाइमेट जिसे हम चाइना टाइप क्लाइमेट बोलते हैं, और सी ए क्लाइमेट जिसे हम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये तीन क्लासिफिकेशन आपको याद रखने हैं, किससे? सी टाइप क्लाइमेट से, ठीक है। फिर हम डी टाइप क्लाइमेट में अगर देखें तो इसे बोलते हैं ह्यूमिड माइक्रोथर्मल और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, या फिर इसे ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट भी बोल सकते हैं। अब केवल डी में कुछ सब क्लासिफिकेशन भी हैं, सब डिवीजन भी किए गए हैं। जैसे पहले तो हमने डी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, डी एफ और डी डब्ल्यू। डी एफ का मतलब होता है ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट, डी डब्ल्यू माने ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट। अब इनके सब डिवीजन है, एक चीज अभी ध्यान देना, तो सब डिवीजन में आप देखिए तो डी एफ ए, डी एफ बी और डी एफ सी। फिर डी डब्ल्यू में डी डब्ल्यू ए, डी डब्ल्यू बी, डी डब्ल्यू सी, ठीक। डी एफ ए माने लॉन्ग वार्म समर कॉन्टिनेंटल, फिर डी एफ बी लॉन्ग एंड कूल समर, फिर डी एफ सी शॉर्ट एंड कूल समर सब आर्कटिक क्लाइमेट। फिर डी डब्ल्यू में अगर आप देखेंगे तो डी डब्ल्यू ए, डी डब्ल्यू बी, फिर डी डब्ल्यू सी, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद लॉन्ग कूल समर, डी डब्ल्यू बी माने कूल शॉर्ट समर सब आर्कटिक टाइप है ये, और फिर ये आ जाएगा डी डब्ल्यू सी कोल्ड विंटर, ये आप इसको क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा पोलर क्लाइमेट देखिए आप, ई टाइप क्लाइमेट, तो ये ई टी और ई एफ मिलेगा आपको। ई टी और ई एफ टुंड्रा क्लाइमेट है, और ई टी माने परमानेंट स्नो कवर्ड या फिर पोलर आइस कैप क्लाइमेट, ये आपको देखने को मिलेगी। ये तो वर्ल्ड लेवल पर आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप इतना याद रखेंगे तो वर्ल्ड लेवल पर आपसे जो पूछेगा उससे कोई बाहर नहीं जाएगा। इसकी थोड़ा सा ये ब्रीफ आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, मतलब इसका इंट्रोडक्शन। इसके अलावा ये मेसोथर्मल माइक्रोथर्मल, ठीक है, ओके। अब जैसे देखिए आपको किसी भी रीजन का क्लाइमेट का टेम्परेचर देखना है तो यहाँ से आप देखिए, ठीक है। जैसे सी टाइप में अगर हम बात कर रहे हैं तो सी टाइप में टेम्परेचर इस रेंज में होगा, अगर हम डी टाइप में बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर इस रेंज में होगा, ई टाइप में बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर इस रेंज में होगा, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं, क्लियर आ रही है? अब इसके बाद देखिए इसका इंडिया में क्या एप्लीकेशन है। तो इंडिया में सबसे पहली चीज ध्यान रखिए कि इंडिया में कोपिन ने अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के लिए 9 इसका डिवीजन किया हुआ है, मतलब इंडिया में उन्होंने बताया कि 9 डिवीजन हो सकते हैं कोपेन के अनुसार, ठीक है। तो आप देखिए पहला है ए डब्ल्यू क्लाइमेट, फिर ए एम डब्ल्यू, फिर आपका ए एस, फिर आपका बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू, ओके। फिर इसके बाद आपका आ गया 5, फिर 6, 7, 8 और 9, ये क्लासिफिकेशन है कोपेन के। कितने हैं टोटल? 9 है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए आप क्या क्या याद रखना है आपको। अब ये जो मैंने डिटेल्स है वो तो आपको ऑलरेडी पीछे बता दी है कि ए टाइप अगर क्लाइमेट होगी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो वहाँ पर समर होगा या नहीं होगा, विंटर होगा या नहीं होगा, टेम्परेचर कितना होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगा, इंडिया में वो मिलेगी कहाँ पर, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ए डब्ल्यू क्लाइमेट या फिर जैसे सवाना बोलते हैं, वो पेनिनसुला इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। अब आप इसको देखते ही इस रीजन के जो कौन कौन से स्टेट हैं उन्हें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेट आएंगे। कौन सी क्लाइमेट है? सवाना क्लाइमेट है। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ये सवाना है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। इसके अलावा AMW ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जो होगी, रेनफॉल यहाँ पर लिखा है 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल चाहिए, है ना, और शॉर्ट विंटर सीजन होते हैं, टेम्परेचर भी लिखा है। कहाँ पर मिलेगी? कोंकण, मालाबार कोस्ट से जुड़ा और जो वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, प्लेट्यू रीजन ऑफ तमिलनाडु, त्रिपुरा में, मिजोरम में, AMW टाइप की क्लाइमेट ये आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये इसको आप याद रखेंगे। ओके, तो ये पूरा जो क्षेत्र है मालाबार कोस्ट वाला, यहाँ पर AMW टाइप की क्लाइमेट मिलेगी आपको, और बाकी स्टेट्स के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ इसमें तमिलनाडु का क्षेत्र भी है, केरल का तो है ही है, ठीक है, कर्नाटक है इसमें। ओके, तो आप ये चीज़ें याद रखें, वेस्टर्न घाट का वो क्षेत्र है। AS टाइप की क्लाइमेट एक नैरो जोन है कोरोमंडल कोस्ट के आसपास, जिसे AS टाइप की क्लाइमेट बोलते हैं। ये देखिए आप, ये AS टाइप की क्लाइमेट है, मतलब समर सीजन ड्राई रहता है, विंटर में बारिश होती है, यही होता है कोरोमंडल कोस्ट यानी तमिलनाडु में, विंटर सीजन में बारिश होती है लौटते हुए मानसून से। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या है आपको बताया भी था अनाईमुड़ी, जब हमने मानसून क्लाइमेट मानसून पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद BWH, ये हॉट डेजर्ट टाइप की क्लाइमेट है, मोस्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में ये आपको क्लाइमेट मिलती है। तो ये आप देखिए, राजस्थान को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो ईस्टर्न राजस्थान है वो BSH स्टेपी टाइप है, और अगर जो वेस्टर्न टाइप क्लाइमेट है ये आपके लिए BWSW क्लाइमेट है। तो वेस्टर्न राजस्थान ये आपका एकदम एरिड है, जिसे आप स्टे हॉट डेजर्ट क्लाइमेट बोल सकते हैं, और स्टेपी टाइप क्लाइमेट बोलेंगे वेस्टर्न राजस्थान को, सॉरी ईस्टर्न राजस्थान को, इसे हम सेमी एरिड या स्टेपी बोल सकते हैं। अब इसमें कुछ और रीजन भी आ सकता है, जैसे एक तो ईस्टर्न राजस्थान आ जाएगा, इसके अलावा गुजरात, साउथ वेस्टर्न हरियाणा, ठीक है, कर्नाटक का कुछ जोन है, तमिलनाडु का रीजन है, ये इसमें आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये स्टेपी टाइप क्लाइमेट यहाँ भी मिलेगी आपको, इसीलिए कर्नाटक और ये रीजन भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये भी चीज़ आप याद रखें, गुजरात का भी क्षेत्र है इसमें देखिए, स्टेपी में, और गुजरात के अलावा यहाँ पर साउथ वेस्टर्न हरियाणा भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक का भी जोन है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका मेसोथर्मल टाइप की क्लाइमेट है, जैसे मानसून टाइप विद ड्राई सीजन है, तो इसमें आप देखिए तो ये आपका मुख्य रूप से गंगेटिक प्लेन में मिलेगी। ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान में और आसाम मालवा प्लेट्यू, यहाँ पर मिलेगी CWG, ये लिखा हुआ है, मानसून टाइप विद ड्राई समर। ये पूरा गंगेटिक प्लेन मुख्य रूप से इसमें आता है, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न का भी ये क्षेत्र है आप देखिए। तो ये कौन सी क्लाइमेट है? मानसून टाइप विद ड्राई सीजन है। यहाँ से स्टेट आपको याद कर लेने हैं, और वैसे भी स्टेट तो आपको इसमें दिख ही रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश है, इसमें बिहार है, इसमें पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें हरियाणा का क्षेत्र है, इसमें पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है, इसमें राजस्थान का क्षेत्र है कुछ कुछ, तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। इसके बाद DFC है, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ये DFC यानी कि कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर है, आपको एग्जैक्टली दिख रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट में आपको मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए, तो फिर ई टाइप पोलर क्लाइमेट है, जाहिर सी बात है जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर ये मिलती है आपको, और फिर ET क्लाइमेट है टुंड्रा, तो ये भी एकदम ठंडे क्षेत्रों में मिलेगी, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ई क्लाइमेट है, ई टाइप क्लाइमेट। तो इस तरीके से आप कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को बिल्कुल शॉर्ट में दो तीन चार्ट की मदद से याद रख सकते हैं। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, एक दिमाग में अगर अभी तक समझ में नहीं आया था तो अब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल शॉर्ट में हमने इसको समझा है। अब डिटेल में पढ़ने के लिए तो उसमें समय लगता है, उसमें 1-1.5 घंटे की क्लास लगती है। इसके फीचर क्या है आप इनको भी देख सकते हैं, टेम्परेचर, वैसे तो मैंने A, B, C, D, E टाइप की क्लाइमेट में बता दिया था, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रूप से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, वरना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी क्या है आपके लिए, आपको इनके फीचर के नेम पता होने चाहिए, कोड को क्या कहते हैं, और उस कोड का इंडिया में क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर वो किस रीजन में मिलता है, एग्ज़ाम में यहीं से सवाल पूछता है, यस और नो,
आपने अगर PYQs देखे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और कुछ आपने नए तरीके से देखा होगा, नए तरीके से इसको समझा होगा। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को कुछ नए तरीके से समझा, कुछ नया आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट गया। पढ़ा तो आपने बहुत होगा पहली बार भी, मतलब पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अब बताइए कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ जल्दी से। जब हम पेड ग्रुप में इसकी क्लास करते हैं तो 1.5 घंटे की एक क्लास होती है, फिर दो क्लासेस ऐसी लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में बिल्कुल डिस्कस किया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताइए ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि हाँ यस आपको कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, और ये जो क्लास है वो सफल रही है, क्योंकि अल्टीमेट इसका उद्देश्य क्या है कि आपको कुछ नया सिखाना है डेली। तो फटाफट से बताइए, अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा तो फिर वो लर्निंग कैसी हो। ठीक है, जल्दी से। ओके, वेलकम ज्योग्राफी लवर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। अब फिर इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में, और डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स को, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हो सकते हैं, PYQs हो सकते हैं, वो सब। 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं, तो आपको 12 अक्टूबर के लिए एकदम तैयार रहना है। ठीक है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, बस डिस्कस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो मिलते हैं अब कल की क्लास में। ठीक है, वेलकम वेलकम। इस थ्योरी के अप्रोच को हम कहते हैं कि ये एम्पेरिकल, अनुभवों पर आधारित है, प्लस क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव भी कहेंगे, एम्पेरिकल भी कहेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, एम्पेरिकल एंड क्वांटिटेटिव। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर सभी को, धन्यवाद।